अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शारीन यूके व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैंने एग बॉईल किया था, हाफ बॉयल्ड, एंड साथ में एक ब्राउन ब्रेड ली थी मार्जरीन लगा के। मैंने चाय बनाई, फिर मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला हीटर निकालते हैं। वो सारे हीटर मैंने निकाले, पाँच थे, तीन रख दिए और दो निकाल लिए हैं जो बड़े थे, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से हीटिंग लगाते हैं तो हीटिंग के ना एयर ब्लॉक कर देती है हीटिंग को। सो हाफ़ हीटिंग लगती है तो हाफ़ नहीं लगती। तो ये हम लोगों ने निकाल लिए थे। साथ में मेरा हस्बैंड बता रहे हैं कि हाँ तू तेरा हाथ से शाम के देखे शाम के रखे थे तो उनका काम आए ना। सो मैंने तीन रख दिए थे कि पाकिस्तान भेज दूँगी, मम को दूँगी तो एक कासम को दूँगी वो भेज देगा, एक मैं अपनी मम को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टू मच, लाइक डबल। सो थोड़ी देर के लिए लगाएंगे आप, फाइव मिनट के लिए पूरा कमरा ही गर्म हो जाता है इससे। तो ये मैं आपको चला के दिखा रही हूँ इसको, मैं इसकी स्मेल होती है पहले लगाओ ना जब। तो इसके अंदर फ़ैन भी है और हीटिंग भी है, एंड इज़ रियली गुड। एंड जब मैंने उनको बोला कि घर की जो हीटिंग है ना वो कम लगाएँ, क्योंकि वो गैस के साथ चलती है, उसके साथ गैस बहुत यूज़ होता है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे यूज़ कर लिया करो। फिर भी गैस ना लूँ ना थोड़ा काट इलेक्ट्रिसिटी के। मैंने इसको प्री मीटर जो है ना उसके ऊपर चेक किया था, तो दिस इज़ स्टिल बेटर देन हीटिंग, तो लेस चार्ज करता है हीटिंग से, सेंट्रल हीटिंग से। एनीवे ये गोल गोल घूम रहा था बड़ा अच्छा लग रहा था, और टाइमर था, एक मिनट के लिए बंद हो जाता था फिर स्टार्ट हो जाता था। और ये ऊपर लेके आई हूँ, मैंने कहा पहले लगा देते हैं दरवाजे विंडो खोल के ना, सारी स्मेल निकल जाए बाहर इसकी, बिकॉज इट्स नॉट गुड। और एसी हीटिंग आपने रात को लगा के नहीं छोड़नी, डेंजरस हो सकती है, दे आर नॉट रिलायबल, ये डेंजरस हो सकते हैं। सो रात को ऑन करके नहीं छोड़ना, तो रात को ऑफ़ कर देते हैं, जब ज़रूरत हो तो लगा लो, जब नहीं ज़रूरत तो साइड पे रख दो। तो ये मैंने ऊपर ना रग नीचे बिछाया था, ऊपर मैंने कंबल रखा हुआ था बेबी के लिए, नीचे उसको लिटा के ना ज़रा के उठ के बैठे हो, ज़रा क्रोलिंग करे, फिर हम आजदा चले गए। ये मेरा हस्बैंड ले रहा था इसको, क्या कहते हैं कासम ना, ये स्कैन कर लेते हैं आप चीज़ें जो जो लेना है, और साथ साथ में ट्रॉली में रखते हैं ना, तो ईजी हो जाता है जब आप जाते हो ना क्यूज़ में लगते हो पे करने के लिए, तो सेल्फ सर्व की जो क्यू होती है ना, लंबी लंबी क्यू से आप बच जाते हो बेसिकली। लेकिन ये चल नहीं रही थी, वो आँख रोड है। तो फिर बेबी का फूड लेना था मैंने, तो वो खा ही नहीं रहा है कुछ फूड, उसके लिए लेके आती हूँ, वो स्वीट स्टफ लाइक करता है तो दूसरी चीज़ें लाइक नहीं करता, तो घर में उसके लिए खाना मुझे बनाना कब पड़ेगा। लेके तो आई हूँ मैं जाग, तो जो चीज़ें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें दी। आज तक तो होता ही आपको पता है बहुत बिजली, बच्चों की इतनी आवाज़ आती है, कुछ पार्ट्स में हेल्प करने पड़ते हैं, ये मिल्क में देती हूँ इसको किसी चीज़, तो जो जो बॉक्स वाला है ना कार्डबोर्ड बॉक्स वाला, उसमें दो होते हैं। बंजेला लेने आए एक मेरे हस्बैंड ने कहा ये उठा लो, ये ले दो सर आप उठा लो। तो ड्राई फ्रूट हम बागिन से लेंगे, वहाँ से चीप मिलता है। ये बैग देखिए कितने नाइस है, ये बेबी सेक्शन है, यहाँ पे सारे कपड़े, ज़्यादा कपड़े गर्ल्स के ही हैं, तो बॉयज़ के तो हैं, बॉयज़ के भी बहुत प्यारे थे, लेकिन उसके पास बहुत कपड़े हैं अभी, तो बेबी से आपको पता है बहुत जल्दी ग्रो आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी बास्केट देने कपड़ों वाली अपने लिए, तो ये वाली थी इसकी लेडी नहीं थी, तो एक और थी लेकिन वो थोड़ी महंगी थी, मैंने अपनी प्राइस क्रेडिट में लेना था लेकिन नहीं। और ब्रश एंड पैन भी थे कि ये देखा ये है इसका अपडेट है, लेकिन ये थोड़ी महंगी थी ये बनेंगे, तो जब मेरे पास थोड़े पैसे आएंगे ना तो मैं खुद ले लूँगी जो ठीक और रखी है, क्योंकि ये हुवर भी थे इनके पास। इनके पास में ये था, मैंने आपके लिए ये रिपोर्ट किया है आपको दिखाने के लिए, जो ऑफर्स इनके पास रखे हैं, ये एयर फ्रायर्स डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट प्राइस के, आपको पता है ये बड़े ना ट्रेंड में है, हर किसी के पास एयर फ्रायर है, मेरे पास नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही थी कि अगर आपने आजदा से जाके इसे लेना ना, यहाँ पे लगे हुए हैं। ये ब्लेंडर हैं, माइक्रोवेव, और ये मुझे केटल ना वाइट एंड गोल्ड केटल मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, तो ये लिक्विड ली है हमने यहाँ से। फिर मैंने राइस और आटा के ना कुछ बना ली थी, उन्होंने ऑफर लगाई थी, क्योंकि रमज़ान से पहले ना काफ़ी ऑफर्स लगती हैं, तो ड्यूरिंग रमज़ान की महंगी चीज़ें कर देते हैं मौके बताइए इसके लिए, रमज़ान के लिए लोगों के चाहिए, उससे पहले जो सेलें लगा देते हैं अभी लगेंगी अच्छा शादी वाली, तो मुझे पहले लेके रख लो तो अच्छा होता है, एक दफ़ा नहीं ले ली जाती। फिर ये कासम पेक कर रहा है चीज़ों के लिए यहाँ पे सेल्फ सर्व,
एंड फिर हम गए, टिकट फ्री करनी पड़ती है। जो भी आपने बाय किया है वहाँ टिकट दिखाई है, टिकट उन्होंने फ्री कर दी है। मैं नीचे जा रही थी, पास पास ही नहीं मिलने आता कि नीचे ये है सैलन है छोटा सा, मैं कभी गई नहीं, वैसे क्लिप बना ली। फिर ये बिल्डिंग्स नई फ्लैट्स इन्होंने बनाई हैं यहाँ पे ना, इन्होंने हाउंसलो में वो भी बनाया है सिनी वर्ल्ड एंड आर्केड्स। मैं गई नहीं वहाँ पे अंदर, कभी चांस ही नहीं मिला। जब भी हाई स्ट्रीट जाती हूँ जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी मैं आ जाती हूँ। ये है एक्सरसाइज फॉर लेस जहाँ पे मैं जाती थी, अब नहीं जाती इंशाल्लाह इन फ्यूचर। एंड फिर हम चले गए, अब लिडल्स जा रहे हैं, फिर होम बार्गेन्स जाएंगे। छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं क्योंकि मेरे ना फ़ोन की मेमोरी ना बहुत जल्दी स्टोरेज फुल हो जाती है, तो इतने दिनों बाद जाके व्लॉग लगता है मेरा, तो इसीलिए हर रोज़ डेली व्लॉग्स नहीं मैं लगा सकती। तो ये पार्किंग का बड़ा मसला होता है यहाँ पे ना, पार्किंग ना सुबह सुबह आओ ठीक होता है, जहाँ बिल्कुल शाम में, शाम में आओ तो चीज़ें ही नहीं मिलती फिर, तो वो रात को रीस्टॉक करते हैं बंद करके शॉप्स, तो फिर सुबह सुबह आओ अच्छा होता है, लेकिन मैं सुबह सुबह उठ नहीं सकती, इतनी जल्दी आ नहीं सकती बाहर, तो लेज़ी हुई होती हूँ ठंड की वजह से। एंड यहाँ से मुझे सेल्फ रेजिंग आटा लेना था, दोनों ही ले लिए मैंने, रेड वन एंड ब्लू वन। अंडियाँ दी देखो कि हशर कितने लोगों ने, कोई चीज़ नहीं है बस। एनीवे नाल की कर दें, ये मैंने ना यहाँ से फ्रीज वाली चीज़ें लेनी थी, उन्होंने ना ओपन एलमंड फिर रखे हुए थे, वो चीज़ें मैंने आपको दी। हाँ मैंने फिश ली थी एंड चिप्स लिए थे एंड ग्रीन पीस, सिर्फ जो जो चीज़ें ज़रूरी ज़रूरी चाहिए होती हैं वो लिए। क्यों में गए तो सारी चीज़ें ना इनकी बंद ही रहती हैं, सुबह ओपन होती हैं तो आफ्टरनून में नहीं, आस्ते आस्ते कोई क्लोज कर देते हैं क्योंकि स्टाफ कम कर देते हैं ना शॉप पे। फिर भी लिटिल एंड एलजी स्टिल बेटर देन अदर शॉप, इनके पास ज़्यादा स्टाफ होता है, लेकिन सेल्फ स्टाफ में कह रही थी, लेकिन फिर भी हमें चांस मिलता है। ये इन्होंने रखा हुआ है फ्री फूड की बास्केट, जो पोर पीपल ने पोर क्या जिनके पास पैसे नहीं है कुछ लेने के लिए, फिर वो यहाँ पे यहाँ से आके ना ले लेते हैं फ्री चीज़ें। जैसे मैं बाय करूँ ब्रेड एग मिल्क उसके अंदर रखती हूँ, तो जिसको चाहिए वो आके ले लेता है। वेरी गुड माशाल्लाह। ये मैं हैंड वॉश लेती हूँ होम बार्गेन से, ये काफ़ी बड़ी बोतल है 99 है बोतल, तो अच्छी है एंड इज़ रियली गुड। ये कुछ ऑफर्स इन्होंने लगाई हुई थी गिफ्ट्स की, क्योंकि वैलेंटाइंस जो आ रहा है तो ये सब अच्छी अच्छी लगाई हुई थी। बाद में कोई सेले सुले नहीं लगाते, मैंने देखा है क्रिसमस के बाद को कोई हाथ सेल नहीं इन्होंने लगाई हुई थी। एंड यहाँ पे इनके पास अच्छी कलेक्शन है हेडबैंड्स की एंड कॉम्स की एंड ऐसी चीज़ों की। एंड ये ब्यूटी बॉक्स भी है मेरे पास, है ऐसा पहले मेरी मॉम लेके आई थी मेरे लिए। एंड ये कुछ हेयर क्लिप्स से बड़े क्यूट क्यूट छोटे छोटे हेयर क्लिप्स, बच्चियों की चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी रखी हुई हैं। ये लॉल की कलेक्शन भी है इनके पास एंड छोटी छोटी लड़कियों की बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये देखें वैलेंटाइंस की चीज़ें हैं मेरे काम के लिए, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी। रेड रेड है, मैं जब भी वैलेंटाइंस को कोई चीज़ लूँ तो मैं अपनी मॉम के लिए सेव लेती हूँ वैसे। और ये मुझे बड़े प्यारा लगा था ये मिरर और ये बास्केट, बहुत प्यारी थी, लेकिन ये स्क्वायर वाली नहीं है, तो ये इट्स वेरी नाइस। अब मुझे ये नहीं पता एक्चुअली ये बास्केट के स्टूस थे कि ये गार्डन सेक्शन है। और ये मग बड़े प्यारे थे, ओह माय गॉड, मुझे बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ जो गोल्ड लगा हुआ है माइक्रोवेव में आप गर्म नहीं कर सकते। तो ये टिश्यू इन्होंने रखा हुआ, तो काफ़ी इनके पास टिश्यू की कलेक्शन होती है। ये प्राइस है। फिर हमने ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी यहाँ से ली, फिर हमने पे करना शुरू कर दिया। पे करके तो हम घर आए, तो ये ना मेरी ना नीस लेके आई थी मेरे कासिम की ब्रदर की बेटी, वो लेके आई थी जब बेबी बोर्न हुआ था। ये हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने उन्होंने कहा मेरी क्लिप बना दो थोड़ी जी तो फिक्स कर दे। तो उसकी चेयर ना ये बड़ी क्यूट लग रही थी, मैं क्या हैरानी रहनी है छोटी गुड, लेकिन काफ़ी बड़ी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। उसका कलर बड़ा क्यूट था, मैं आपको दिखाती हूँ जब असेंबल कर लेंगे ना फिर मैं आपको दिखाते हैं। तो इसको असेंबल कर रही थी सब मिल के हम, तो ये है जी ऐसे लग रहा था, और बड़ा खुश था बैठ के, क्योंकि ऊँचा ऊँचा है ना, हाय हाय बड़ा खुश था। एनीवे ये था हमारा आज का व्लॉग, बिजी डे ओल्ड डे रूटीन। एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जज़ाकअल्लाह। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।
for the latest vlogs and updates of my channel. Bye.